अगर मैं आपसे पूछूं बिग बॉस की इंटायर हिस्ट्री में एक कंटेस्टेंट जो स्ट्रॉन्गली ओपिनिएटेड, अपना हर टास्क परफॉर्म करने वाला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलूं तो आई थिंक काम्या पंजाबी ना हर किसी की लिस्ट में होंगी। और इस सीजन में भी डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग इन द बिग बॉस हाउस, काम्या पंजाबी इज थ्रू आउट ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो वो इस सीजन को लेकर, इस सीजन के कंटेस्टेंट्स को लेकर देती आई हैं। और इसीलिए मैं काम्या से मिलने ना सीधा उनके पॉपुलर शो शक्ति के सेट पे बैठी हूँ। काम्या, ट्रोल हो रही हैं आप ट्विटर पे? अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं है। मतलब क्यों डायरेक्टली सपोर्ट आप एक कंटेस्टेंट को ऐसे डायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं? लोग कह रहे हैं कि ब्लाइंड सपोर्ट कर रही हैं, डर नहीं लगता आपको ट्रोल करने का? तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक्चुअली ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही थी, मैं एक्चुअली शुरुआत में मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं गेम इन्जॉय कर रही थी। मुझे शुरुआत में पारस की गेम बहुत अच्छी लगी। धीरे 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 जब ये समझ में आया कि एक ही इंसान को लोग इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, उसकी वीकनेस को पकड़ के या उसकी कुछ आदतों को पकड़ के लोग इस तरह से उसे टारगेट कर रहे हैं और इतना उसके पीछे पड़ गए कि फिर एक ऐसा टाइम आया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे तो लेट्स टॉक टू काम्या एकदम अनफिल्टर्ड। वाई सिद्धार्थ शुक्ला? वाई नॉट सिद्धार्थ शुक्ला? जब भी रश्मि चीख चीख के बोल रही थी मैं म्यूट ही कर रही हूँ। ऐसे चीख चीख के तुम कर रही हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर सबको ये लग रहा है कि उनके डेली शो का एक ड्रामा वाला कोई सीन चल रहा है, कोई घटिया सा सीन चल रहा है जहाँ उन्हें लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि इतना बुरा दिख रहा है और इतना एक्चुअली मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तो इट इज़ बोरिंग, इट इज़ इरिटेटिंग। मैं अभी दिन का एपिसोड देख रही थी, मुझे तो लगा मैं म्यूट कर दूँ। आपने ट्वीट भी किया था? जी बिल्कुल। और मैंने जब भी रश्मि चीख चीख के बोल रही थी मैं म्यूट ही कर रही थी। मुझे जितना भी पता चला है कि रश्मि क्या बोल रही, मैंने मुझे ट्विटर से ही पता चला, क्योंकि इतना तुम और ऐसे चीख चीख के तुम कर रही हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और किस चीज़ पे क्या बोल रही हो तुम और क्यों बोल रही हो? ऐसी लड़की, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की। कोई मुझे बोलेगा तेरे जैसी लड़की तो मैं, मेरे घर में नहीं है तो मैं कहूँगी बोलूँगी निकलो, जवाब देंगे कैसी लड़की बोल के दिखा, कैसी लड़की। तुमने इस घर में तुम्हारा एक ही दोस्त था जिसने हर जगह अपने आप से पहले तुम्हें रखा, तुमने उसे खो दिया। सिद्धार्थ आया, आज दिन में सिद्धार्थ को कहा हाँ ऐसा है, काम ऐसे बोली गई थी शहनाज ने कहा, आज दिन मैं पढ़ती हूँ, मुझे हाफ टाइम तो पता ही नहीं होता, ये आप बता रही मुझे कि मैं ट्रोल हो रही। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ती, मैं देखती हूँ, मुझे हंसी आती है, मुझे मज़ा आता है। कुछ ऐसे ट्वीट्स होते हैं जो सीधा मेरी फैमिली पर आते हैं, जो सीधा मेरी बेटी पर आते हैं, उनको मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ, उनको मैं नहीं छोड़ती। कुछ कुछ ट्वीट ऐसे होते हैं जहाँ जवाब देना जरूरी होता है, मैं देती हूँ। बाकी ऐसे तो ये तो चले आ रहा है, ये सालों सालों की परंपरा है, चलते जाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ को ही सपोर्ट करती हूँ या सिद्धार्थ की मुझे गेम अच्छी लगती है, लेकिन अब घर के लोगों को सिद्धार्थ के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। जब देखो सब उसी के पीछे पड़े रहते हैं तो ट्वीट हमेशा, एपिसोड हमेशा सिद्धार्थ के बारे में हो जाता है। मुझे पारस भी अच्छा लगता है बहुत बार, मुझे शहनाज अच्छी लगती है। मुझे देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मुझे एक दो दिन अरहान भी अच्छा लगा था जब वो पहले एविक्ट हुए थे, उसके पहले की बात है। तो कुछ लोग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको पसंद करूँ या कुछ उनके बारे में अच्छा देखूँ, दे फेल्ड में बिक जाएंगे। वीक फिलहाल मुझे विशाल, आज के दिन का ही नाम है ना,
तो मुझे वो भी लगता है क्योंकि उनका अपना कोई मुद्दा नहीं होता, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं होता, वो कहीं भी बीच में से आ जाते हैं। अभी अभी मैंने उनके लिए ट्वीट किया था, तो मुझे वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं कि वो बेगानी शादी में दीवाने होकर घूम रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनका क्या है, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी दोस्ती है, उनकी दुश्मनी है, उनकी उनका प्यार है, उनकी नफरत उनका क्या है। सबसे चालाक कंटेस्टेंट कौन लगता है? विटी आसिम एंड रश्मि। कौन आपको लगता है एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है? इसी एड़ा तो मुझे ये कहूँगी विक्टिम कार्ड खेल के पेड़ा खाने की कोशिश हो जा रही है, लेकिन अब वो पकड़ी जा रही है, वो अगेन रश्मि। सिद्धार्थ, पारस, शहनाज और रश्मि माहिरा हो सकती है। ABP News आपको रखे आगे।